मॉर्निंग चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे SST की नोटबुक ओपन कर लेंगे, और कल मैंने होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का आंसर मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, आप सभी बच्चे 1x1 करके मैच कर लेंगे, ओके। और उसे रिमेंबर करने को भी मैंने दिया था, तो आप सभी बच्चे रिमेंबर किए होंगे, मैं ऐसे ही उम्मीद कर रही हूँ। और रिमेंबर करने के बाद मैं बताती भी हूँ कि आप किसे सुनाइए, तो जो भी आपको घर पे पढ़ाते हैं, आपको है ना पढ़ाई में स्टडी में हेल्प करते हैं, आप उन्हें सुनाया कीजिए, जो कि ज़रूरी है, ओके। सारा चीज़ स्पेलिंग के साथ है ना, जो मैं स्पेलिंग के साथ बोलती हूँ वो स्पेलिंग के साथ याद कीजिए, और जो आपको आंसर क्वेश्चन होता है तो उसे डायरेक्ट याद कीजिए, लेकिन जो वर्ड रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैं उसे आंसर वर्ड स्पेलिंग के साथ ही बोलती हूँ याद करने के लिए। तो आप सभी बच्चे ऐसे ही क्या कीजिए, तो आइए मैं आंसर लिख देती हूँ, आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे। तो कल मैंने दिया था नेम द फ्लोइंग, मतलब सेंटेंस था, नाम लिखना था, सेंटेंस था, दैट मीन्स कि सेंटेंस पढ़ के उससे रिलेटेड शब्द या नेम हमें लिखना था। तो हम देख लेते हैं कि पहला शब्द क्या था, पहला सेंटेंस क्या था और क्या फील होगा। तो पहला था फूड यू नीड टू बिल्ड योर है ना बॉडी, बोला है यू जो भोजन आपके शरीर को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। तो जो हमारे शरीर को बनाते हैं उस भोजन को क्या बोलते हैं, बॉडी, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि वैसा भोजन जो हमारे शरीर को है ना बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यानी कि ग्रो करते हैं, बनाने दैट मीन्स कि हमारे शरीर को ग्रो करने में, बढ़ने में, डेवलप करने में रक्षा करते हैं, हेल्प करते हैं, सॉरी, उसे क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था फूड यू नीड टू प्रोटेक्ट यू है ना योर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, मतलब ऐसा भोजन जो आपके शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है, यानी कि आपको बीमार होने से बचाता है, वैसे भोजन को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, प्रो PROTECTIVE प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि रक्षाकर्ता भोजन, वैसा भोजन जो हमें बीमार होने से बचाता है, यानी कि बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, उसे प्रोटेक्टिव फूड यानी कि रक्षाकर्ता भोजन कहते हैं। थर्ड में क्या था वो देख लेते हैं, फूड यू नीड टू एनर्जी फॉर वर्क है ना, जो भोजन आपको काम के लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा या ताकत देती है उस भोजन को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, ENERGY, एनर्जी, GIVING गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड है ना, यानी कि वैसा भोजन जो हमारे शरीर को ताकत दे उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड, ये क्या है, टाइप्स ऑफ फूड है, भोजन के प्रकार हैं, आप तो जानते हैं, आपने चैप्टर में पढ़ा ही है। अब फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, पीपल हु ईट वेजिटेरियन फूड, जो लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं यानी कि शाकाहारी भोजन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेजिटेरियंस, VEGETARIANS, उन लोगों को क्या बोलते हैं, वेजिटेरियंस, यानी कि वेजिटेरियन फूड क्या, जो दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल है ना, रोटी खाते हैं, मिल्क खाते हैं, बस है ना, वो किसी भी प्रकार का मीट या मांस नहीं खाते हैं, तो उन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं। अब फाइव नंबर में क्या है वो देख लेंगे, पीपल हु ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, जो लोग मांसाहारी भोजन खाते हैं यानी कि मीट, मांस है ना, मच्छी, एग, ये सब खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियंस, नॉन VEGETARIANS, नॉन वेजिटेरियंस। सिक्स नंबर में देख लेते हैं क्या है, ए हाउस मेड बाई यूजिंग बैम्बो, क्ले, स्ट्रो एक्सेट्रा, वैसा घर, मतलब एक घर जिसे हम बैम्बू से, बांस से, स्ट्रॉ से, इनके घास से, पुआल से, क्ले से बनाते हैं उस घर को क्या बोलते हैं, हट बोलते हैं, यानी कि कच्चा हाउस, तो क्या लिखेंगे, KUCHCHA कच्चा, HOUSE कच्चा हाउस, ओके है ना, जिस घर को बनाने में हमें बांस, सूखा पत्ता, घास या पुआल या क्ले या मट का इस्तेमाल करते हैं उस घर को कच्चा हाउस बोलते हैं। सेवन नंबर में देखिए क्या है, ए हाउस मेड बाय यूजिंग ब्रिक, सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा, जिस घर को बनाने में सीमेंट, ईंट या स्टील का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पक्का हाउस, PUCCA पक्का, HOUSE पक्का हाउस, क्लियर।
अब हम इसे वाइप करेंगे और बाकी जो बचा है उसका सेंटेंस लिखेंगे। तो आप इसी तरीके से लिखिएगा, वन में बॉडी बिल्डिंग फूड, सेकंड में प्रोटेक्टिव फूड, थर्ड में एनर्जी गिविंग फूड, फोर में वेजिटेरियंस। हम सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ के भी बता दिए हैं, नाइन में वेजिटेरियंस, सिक्स में कच्चा हाउस एंड सेवन में पक्का हाउस। क्लियर? अब मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट बनाती हूँ। हमारे घर के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो हमारे घर के आसपास का या चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है? नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड, है ना। उसके बाद नाइन नंबर, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर में अगर सही या गलत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, देख लीजिएगा, लेकिन जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ उस सेंटेंस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद था द प्लेस वेयर यू गो टू टेक अ ट्रीटमेंट आफ्टर इंजरी, जब आप घायल हो जाते हैं, आफ्टर इंजरी, इंजरी में जब घायल हो जाते हैं तब आप कौन सी जगह में जाके अपना ट्रीटमेंट यानी कि इलाज करवाते हैं। तो जब हम बीमार पड़ते हैं या घायल हो जाते हैं यानी कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ कट गया है ना, टूट गया, तो हम जाते हैं इलाज करवाने, उस जगह को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल, HOSPITAL, यानी कि अस्पताल। चेन नंबर देख लेते हैं, द प्लेस वेयर यू गो टू परचेज द आइटम्स ऑफ डेली यूज, है ना, वैसा जगह जहाँ हम जाते हैं अपने प्रतिदिन की चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो प्रतिदिन की चीज़ों को ख़रीदने के लिए जहाँ हम जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? मार्केट, MARKET, मार्केट। उसके बाद मैंने 12 नंबर भी लिखाया था, है ना, 11 और 12 भी और था कि द, है ना, पीपल हु लीव नियर आवर हाउस, जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ, है ना, जो लोग, मैं ऑप्शन यहाँ पे नहीं दूँगी, डायरेक्ट लिखूँगी, आप नंबर ऊपर नीचे देख लीजिएगा। तो जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं, है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं? नेबर्स, NEIGHBOUR, नेबर्स बोलते हैं। ओके, और एक और क्वेश्चन था उसमें कि द प्लेस वेयर मेडिसिन बाय, जहाँ पे हम मेडिसिन खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, उस शॉप को क्या बोलते हैं? तो केमिस्ट, CHEMIST, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आप नंबर के हिसाब से सही कर लीजिएगा, मैं ऑप्शन नंबर नहीं डाल रही हूँ, ओके, तो क्योंकि ध्यान नहीं है, तो आप मैच कर लीजिएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब मैं वाइप कर रही हूँ, आज की एक्टिविटी दूंगी। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, है ना, आप अपने पेज में जैसे कि आपने जो लिखा था, इसको मैंने अभी जो आंसर दिया, तो उसके बाद जो आपने लिखा एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में आप क्या कीजिएगा कि पहले तो आप लाइन खींच लीजिएगा, जिनके पेज में, है ना, तीन से ज़्यादा लाइन बची थी तो वो क्या करेंगे, पेज में निशान खींचेंगे, है ना, लाइन खींचेंगे इस सेंटेंस के बाद, उसके बाद डेट और रिमेंबर लिखेंगे एक लाइन में, दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे? हेडिंग, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, ओके। और जिनके पेज में जगह नहीं बची है, तीन से कम लाइन है, तो वो छोड़ देंगे और न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए, रिमेंबर लिखिएगा, उसके बाद क्या है हमारा हेडिंग, क्या है? सॉल्व द पजल, सॉल्व द पजल, मतलब पजल दिया हुआ है, उसे सॉल्व करना है, यानी कि क्लू दिया रहेगा, सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, और सेंटेंस पढ़ के आपको मतलब हिंट्स भी रहेगा कि कौन सा शब्द फिल होगा, उस शब्द को आपको कंप्लीट करना है, है ना। देखते हैं क्या है, आप समझ लीजिएगा। इट क्लीन्स आवर बॉडी, सेकेंड नंबर इट इज यूज्ड, it is used to clean our teeth,
थर्ड में इट इज ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज, फोन नंबर द कोल्डेस्ट सीजन, फाइव में यू राइट ऑन दिस विथ चॉक, है ना? पहले तो समझ लीजिए, फिर आप आगे का मैं अब लिखूंगी तो आप सभी बच्चे नोट करके इसे बनाइएगा। तो फर्स्ट में क्या है, देखिए सेंटेंस भी दिया हुआ है और वो वर्ड है ना, वर्ड का कुछ लेटर लिखा हुआ है, कुछ लेटर आपको खुद से फिल करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए समझ लीजिए, फर्स्ट में है इट क्लीन्स आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को साफ करने में है ना, साफ करती है या साफ करने में मदद करती है। तो एस से स्टार्ट है, फोर लेटर का है, आप देख लीजिए क्या फील होगा और उसे कंप्लीट कर दीजिएगा। सेकंड है इट इज़ यूज टू क्लीन आवर टीथ, है ना, हम अपने दांत को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लेटर दिया हुआ है, कुछ को आपको फिल करना है। टी से स्टार्ट होता है, क्या है उसके बाद आप लिखिएगा। थ्री नंबर में इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, या एक प्रकार का कसरत है, कसरत का एक प्रकार है, तो कौन सा है, वाई से स्टार्ट होता है, कंप्लीट कर लीजिएगा फोर लेटर का। उसके बाद फोर में है द कोल्डेस्ट सीजन, सबसे ठंडा मौसम कौन सा होता है, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, आप इसे फिल करके है ना कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फाइव में यू राइट ऑन दिस विथ चॉक, आप क्या करते हैं इस पर लिखते हैं चॉक से, तो चॉक से किस चीज़ पर लिखते हैं, बी से स्टार्ट होता है, आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप नोट कीजिएगा, एक लाइन में सेंटेंस अटता है, अगर वो वर्ड नहीं अट रहा है तो उसके लिए जैसे मैंने दूसरा लाइन का इस्तेमाल किया, आप भी इसी तरीके से दूसरे लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करिएगा। मैं इसे वाइप कर रही हूँ और बाकी का सेंटेंस लिखूंगी। हमारा फाइव तो हो गया था, अब सिक्स नंबर रीड दीज एट होम और स्कूल, सेवन नंबर द हॉटेस्ट सीजन, आई कीप द स्कूल क्लीन, समझ लीजिए फिर बाकी का सेंटेंस लिख के कंप्लीट कर दूंगी। तो सिक्स नंबर में समझ लीजिए क्या है, रीड दिस एट होम और स्कूल, हम सभी इसे घर पर स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम घर पर स्कूल में क्या पढ़ते हैं, वो बी से स्टार्ट होता है, आप इसे फिल करके कंप्लीट कीजिएगा। सेवन नंबर में द हॉटेस्ट सीजन, सबसे गर्म मौसम कौन सा होता है, तो एस से स्टार्ट होता है, उसका नाम लिख के कंप्लीट कर दीजिएगा।
एट में है आई कीप द स्कूल क्लीन, मैं स्कूल को साफ रखता हूँ। तो कौन साफ रखता है, एच से होता है, नाम लिख दीजिएगा। 9 नंबर में ए हाउस ऑन व्हील्स, जिस घर पर है ना, घर जिसमें चक्का होता है, यानी कि चक्का पर जो घर होता है उस घर को क्या बोलते हैं, सी से स्टार्ट होता है, उसका नाम लिखकर उसे कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं वाइप कर रही हूँ, बाकी का सेंटेंस लिख के कंप्लीट कर दूंगी। इसी तरीके से आप नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद आप इसे बनाइएगा। तो देख रहे हैं ना, जहाँ पे जैसे कि देखिए आई कीप द स्कूल क्लीन, यहाँ पे जगह भी बच रहा है लेकिन कम जगह है जिसमें हमारा ये वर्ड नहीं अटेगा, तो मैंने यहाँ पे छोड़ के दूसरी लाइन का इस्तेमाल किया। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, अगर आप सेंटेंस लिखने के बाद भी थोड़ा सा जगह बचता है लेकिन वहाँ पे वो वर्ड नहीं अटेगा तो लिखने मत लिखिएगा, उसके लिए दूसरे लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। टोटल 12 सेंटेंस है, आप सभी बच्चे 1 by 1 नोट कर लीजिएगा 1 से लेकर 12 तक। और आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में लिखना है और इसे याद करना है। तो पहले तो मैं 10, 11, 12 समझा दूँ, उसके बाद बोलूँ। 10 नंबर में है ए हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, वो घर जो पानी में बहता है, तो जो पानी में बहता है उस घर को क्या बोलते हैं, एच से स्टार्ट होता है, आप इसे कंप्लीट करके नाम पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद 11 है हाउसेज यूजुअली फाउंड इन विलेजेस, जो घर गांव में ज़्यादातर पाए जाते हैं उन घर को क्या बोलते हैं, एच से स्टार्ट होता है, आप फिल करके कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर है ए हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, जो घर ब्लॉक्स ऑफ आइस यानी कि बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं उन घर को क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा, वो आइस से स्टार्ट होता है। तो आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि आपको नोटबुक में लिखना है और इसे याद करना है। और मैं इसी तरीके से जैसे मैं रोज़ उसका जैसे होमवर्क देती हूँ उसका आंसर कल हो के लिख देती हूँ और मैच करवा देती हूँ, तो आप सभी बच्चे का मैं कल होमवर्क पूरा कंप्लीट कर दूँगी, इसे 1 by 1 करके लिख दूँगी और आप मैच कर लीजिएगा। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब मैं क्लास को स्टॉप यानी कि एंड करती हूँ तो उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो उसी तरीके से आज का हमारा गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वो क्या है, इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। आप अपने डाइट में यानी कि आहार में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करें, उसी का इस्तेमाल करें। सब्जी जैसे कुछ सब्जियाँ पक जाती है ना, पकती हमारे घर में बच जाता है तो उसे हम बाद में खाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, मम्मी पापा को बोलिएगा कि इतना ही बनाए जो एक टाइम में ही फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, है ना, दूसरे टाइम में फिर ताज़ा बने। और फल है तो फल को हम पकाते नहीं हैं लेकिन मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, उसे स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसे खाते हैं, तो उसी में कुछ फल सड़ जाता है, कुछ बचा रहता है, तो वो चीज़ गलत है ना। इतना लाएँ कि जितना हम खा लें, है ना, मार्केट से लाएँ उतना ही कि खा लें, या घर में उतना ही पकाएं जिसे खा के ख़त्म कर दें, फिर दूसरे वक्त के लिए, दूसरे समय के लिए, या एक दिन आप
फल सब्जी को रख सकते हैं दूसरे दिन भी, यानी कि बहुत बहुत ला के रख दें या बहुत बहुत बना लें फिर उसे हम यूज़ करते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हम खाएंगे उससे पेट हमारा भरेगा लेकिन उसका जो पोषक तत्व है यानी कि ताकत देने की जो शक्ति है क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ताज़ा फल और सब्जियों का ही सेवन करें, उसे ही खाना चाहिए। तो आपको क्या फॉलो करना है गुड डायबिटिव, इंक्लूड्स फ्रेश एंड है ना फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, अपने डाइट में आहार में हमें ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करना है। आज के लिए इतना ही है ना, थैंक यू ऑल, गुड बाय।